हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ फोर्ट हम तामिनी घाट से होते हुए जाएंगे। ये रायगढ़ में आता है बेसिकली, एज नेम सेज इट्स रायगढ़ फोर्ट। ये शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य का राजधानी था एक टाइम पे। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट में से एक माना जाता है। सो ये फोर्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताऊं तो इसमें टोटल 1737 स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। एंड गुड थिंग इज दैट यहाँ पे रोपवे भी है, तो हम लोग आज रोपवे से जाएंगे। तो अभी मैं तामिनी घाट पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ एडवेंचरस जर्नी के लिए। तामिनी घाट ऑलरेडी आप ऑलरेडी जानते होंगे, तामिनी घाट इज वेरी फेमस फॉर सीनिक गेटवे। आप यूट्यूब के मल्टीपल चैनल्स पे आपने देखा होगा तामिनी घाट को हॉन्टेड प्लेस की तरह प्रमोट करते हैं जस्ट टू गेट मोर व्यूज। तामिनी घाट में कई बार आ चुका हूँ, अलोन भी आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होने का, जिसको लोग हॉन्टिंग या भूत प्रेत से जोड़ दे रहे हैं। ये घाट बहुत सीनिक है और रोड बहुत शानदार है एंड ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज्यादा है। आप अभी देखेंगे आगे, मैं पूरा तामिनी घाट क्रॉस करके जाने वाला हूँ। ब्लाइंड टर्न्स इतने ज्यादा हैं कि आप अगर केयरफुली ड्राइव नहीं करते हैं और अगर रैश ड्राइविंग काइंड ऑफ देन एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। देन ऐसे केस में लोग भूत प्रेत को ब्लेम करते हैं। ऐसे मासूम भूत प्रेतों को प्लीज छोड़ दें, उनको दोष ना दें। दैट वाज अ जोक, लाइटर नोट। देखिए दोस्तों, सनलाइट के कारण कितना प्यारा लग रहा है ये सीन। आपको लगेगा मैंने एडिट किया है, बट इट्स नेचुरल पिक, नो एडिटिंग। देखिए दोस्तों, आपको मैं स्टैंड होके शूट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि बाइक का हैंडल बीच में ना आए। तो दोस्तों देखिए, ये रोड्स, ये वादियां, ये सीनरी, ये बाइक और मैं सब एक सिंक में एंजॉय कर रहे हैं। तामिनी घाट की खूबसूरती आपको वीडियो में जितनी अच्छी लग रही है, आप एक्चुअली में आएंगे तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। आज ही निकल पड़िए, सोचिए मत। यू कैन ट्रस्ट मी, आपको अफसोस नहीं होगा यहाँ आके। तामिनी घाट आप कभी भी आइए, बारिश में आइए, बारिश में ये तो स्वर्ग है। ओके, इतने वाटरफॉल्स होते हैं, इतनी ग्रीनरीज होती है,
कि आप दंग रह जाएंगे देख के। आप गूगल में सर्च कीजिए वाटरफॉल्स इन तामिनी घाट, आपको इतने वाटरफॉल्स मिलेंगे। मैं यहाँ मानसून में भी आया हूँ। तामिनी घाट आपका हमेशा स्वागत करता है, आप किसी भी मौसम में आइए। तो दोस्तों यहाँ पे तामिनी घाट ख़त्म होता है, आगे लेफ़्ट लिया तो मारगांव की तरफ हम जाते हैं, हमको लेना है लेफ़्ट। आपको अगर कोलार जाना है देन आप यहाँ से सीधा जा सकते हैं। तो दोस्तों मानसून में मैं कुंभे वाटरफॉल गया था। कुंभे वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है, आपको वहाँ जाना चाहिए। बट वो भी एक हिल के ऊपर है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए वाइल्ड ड्राइविंग। बाकी कुंभे वाटरफॉल का आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच। कुंभे वाटरफॉल का भी जो रूट है दिस इज़ सेम टिल नाउ, आगे भी सेम ही है। बेसिकली रायगढ़ फोर्ट जब जाते हैं तो सेम रूट है फॉर कुंभे वाटरफॉल। दोस्तों हमें आ चुके हैं ये रायगढ़ रोपवे के पास। यहाँ का टिकट प्राइस है 310 रुपये पर पर्सन। इसके पहले आपको यहाँ पे एक एंट्री करना पड़ता है। ये देखिए आप, इसमें बेसिकली आपका नाम और एड्रेस देना पड़ता है कि आप कितने लोग हैं और कहाँ, मतलब एड्रेस, कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं। टिकट का प्राइस 310 रुपये और यहाँ पे लाइन में लगे हैं हम लोग। मेरा फ्रेंड है संदीप, वो लगा है लाइन में। ये देखिए संदीप भाई, तो दोस्तों टिकट लेने के बाद आपको एंट्री करना पड़ता है और ये वेटिंग लाइन है बेसिकली टिकट लेने के बाद रोपे में चढ़ने से पहले। तो हमारे आगे इतने लोग हैं, आपको उसमें बैठ के फिर बताऊंगा वहाँ से कैसा दिखता है। बने रहिए मेरे साथ। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASPN_blog007। तो देखिए दोस्तों ये है वो रोपे का वैगन। तो दोस्तों हम चल चुके हैं, ये देखिए आप, ये रोपे
जो वैगन है ये स्टार्ट हो चुका है। ऊपर जाके आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कैसा दिखता है। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं ये ऊपर, ये यहीं से एग्जिट भी होता है, यहाँ से लोग जिस वैगन से हम लोग आए उसी वैगन से लोग जा भी रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ ऊपर आने के बाद यहाँ पे वॉशरूम और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, आप इनकेस आपको भूख लगी हो तो आप यहाँ खा सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर फोर्ट की तरफ। तो दोस्तों आप जब रोपवे से बाहर निकलते हैं तो आपको फोर्ट का अलग से एक टिकट लेना पड़ता है, पर पर्सन 25 रुपीज़ का टिकट होता है एंड दे वोंट एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट। सो आपको गूगल पे फोन पे सब नहीं चलेगा, यू हैव टू कैरी कैश। दोस्तों देखिए ये जो आप देख रहे हैं अवशेष, ये रानी का कमरा हुआ करता था। ये एक दो ऐसे और भी हैं, आपको दिखाऊंगा आगे। वो दूसरा है और ये फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों ये और दो कमरे हैं, ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये रूम हुआ करता था। उधर मैंने आपको दो रूम दिखाए, ये उसके जस्ट बगल में ये पहला है और ये दूसरा, टोटल चार रूम हो गए अब तक। सो दोस्तों ये फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे रानी के 6 कमरे थे और इसके लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो छोटा गेट जो है उधर, वो रानीबाग कहलाता था। सो बने रहिए मेरे साथ। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एएसपी न्यूज़ को व्लॉग 007। दोस्तों ये देखिए रायगढ़ के फोर्ट के ऊपर से ऊपर का व्यू। Thank you.
दोस्तों, ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहाँ में हम लोग चल रहे हैं, ये बाजार हुआ करता था शिवाजी महाराज के ज़माने में। इसके पहले जो आपको मैं 6 रूम दिखाया, वो रानी का महल बोल सकते हैं, रूम नहीं बोल सकते, रूम हमारा होता है, रानी का महल हुआ करता था, कमरा बोल सकते हैं, महल का एक पार्ट, ये बाजार पेट बोल सकते हैं, बाजार एरिया था। तो दोस्तों, हम आए जगदीश्वर मंदिर, रायगढ़ फोर्ट के अंदर ही है। तो दोस्तों, अभी ये जो हम जहाँ से गए थे वो जगदीश्वर मंदिर था, भोले बाबा का मंदिर था। अभी हम जा रहे हैं टकमक टोक, सो बने रहिए हमारे साथ। टकमक टोक, आपको नहीं पता, टकमक टोक यहाँ पे बेसिकली जब डेथ पेनल्टी मिलती थी किसी को, फांसी की सज़ा, तो वहाँ से लोगों को फेंक दिया करते थे। तो अभी वहाँ पर जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ टकमक टोक की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसा मैंने पहले बोला है, टकमक टोक एक जब मराठा साम्राज्य में जब लोगों को डेथ पेनल्टी मिलती थी, मौत की सज़ा सुनाई जाती थी, तब यहाँ ले जाके लोगों को धक्का दे देते थे। बेसिकली वो फांसी की सज़ा देने का एक तरीका था। तो टकमक टोक इसके लिए फेमस है। इफ आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASPN उसको ब्लॉग्स 007। दोस्तों, यही है टकमक पॉइंट, जहाँ पे लोग आने से पहले डरते थे, यहाँ से लोगों को फेंक दिया करते थे नीचे डेथ पेनल्टी के केस में। आज हम लोग यहाँ पॉइंट पे घूमने आते हैं खुशी खुशी। ये देखिए, ये है टकमक पॉइंट। देखिए दोस्तों, ये रायगढ़ का मुख्य दरवाज़ा। प्रतापराव गुजर वेड्यात मराठे वीर तरुणले साचं आणि शिवाय आपल्या स्नावर विराजमान झाले आणि बाळंबट नावाचे पंडित उभे आले। शिवाय Thank you.
आता सगळे येत आहेत तो दोस्तों, ऐसा है कि जब आप वापस आएंगे तो आपको टिकट दिखा के रिटर्न का टोकन लेना होता है। तो ये टोकन लेने के लिए लाइन में लगे हैं। टोकन के बाद आपको जो भी टोकन नंबर होता है उस बेसिस पे आपको यहाँ से रिटर्न भेजा जाता है। सो दैट्स इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो दोस्तों, जब तक आपका टोकन आता नहीं है, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, तब तक आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था है नाश्ता का, लंच का, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये था रायगढ़ फोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_Blogs007। और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही वंडरफुल लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए पुणे के आसपास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।